अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सबक नंबर 16 ईद जमात दुवम। रमजान के रोजे पूरे हुए, शाम होते ही लोग ईद का चांद देखने जमा हो गए। वो देखो, नीम की ऊंची शाख के पीछे से चांद नजर आ गया। लो, अब कल ईद होगी। ईद की तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो गई थी। घरों में सफाई हुई, नए कपड़े सिलाए गए, इतर और मेवे खरीदे गए। लड़कियों ने हाथों में मेहंदी लगाई, लड़कों ने नई टोपियां और जूते खरीदे। सुबह हुई, हर तरफ ईद की चहल पहल शुरू हो गई। बच्चे नए कपड़े पहनकर फूले नहीं समा रहे हैं। बच्चे, जवान और बूढ़े सब ईदगाह पहुंचे। नमाज से पहले फकीरों को गल्ला बांटा गया। नमाज पढ़कर लोग एक दूसरे से खुश खुश गले मिल रहे हैं। इस दिन अमीर गरीब सब बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। बाजारों में खूब रौनक है, हर तरफ खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें लगी हैं। बच्चे तरह तरह की चीजें खरीद रहे हैं। घर पहुंचकर सब एक दूसरे से ईद मिले। अम्मी ने शीर खुरमा और सेवइयां खिलाई। अब्बा जान, चचा जान और मामू जान ने बच्चों को ईदी दी। अब सब लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, ईद की मुलाकात होगी, शीर खुरमा और सेवइयां वगैरह से सबकी खातिर होंगी। रमजान की ईद में बड़ा मजा आता है, हमें ये ईद बहुत पसंद है।